चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन कैपिटल गेन जो हमारे हेड में आता है काउंट होता है तो उस कैपिटल गेन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है या अंडर विच टैक्स अंडर टैक्स लो विच से कैपिटल गेन आंसर इज डी सेक्शन फोर्टी फाइव ऑफ दो सेक्शन फोर्टी फाइव ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन द कैपिटल गेन क्लियर तो कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन क्या हुआ सेक्शन 45 क्लियर नाउ सेकंड कंडीशन सॉरी सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड ऑफ चार्जिंग इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन ऐसी कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए अगर हम किसी असेट पे कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं देखो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफाई कंडीशन है फर्स्ट वन कि वहां पे कैपिटल असेट होनी चाहिए

ट्रांसफर मस्ट है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर में उस ट्रांसफर में कंप्लीट हुआ वो ट्रांसफर कंप्लीट हुआ हो अब ट्रांसफर में कंडीशन बहुत सारे स्पेसिफाई है लाइक एक्सचेंज एक्सचेंड्वेस्टमेंटिंग क्लियर सेल क्लियर ना फोर्थ वन कंडीशन क्या है देर मस्ट बी एडिकुएट कंसिडरेशन क्लियर चालू कंडीशन क्लियर है अभी क्या बोल रहा है वट आर द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड ऑफ चार्जिंग इनकम अंडर हेड कैपिटल इन अब देखिए क्या क्या ऑप्शन गिवन है हमे? हमें हमने चार कंडीशन क्लियर की नाउ देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट यस देयर मस्ट बी ट्रांसफर द ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल असेट क्लियर हमने चार कंडीशन स्पेसिफाई की थी हमें तीन ऑप्शन दिए तो आंसर डी इज करेक्ट ऑल ऑफ दी अब क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल सेट कुछ हमें आइटम्स प्रोवाइडेड है इनमें से ऐसे कौन सा आइटम है जो कैपिटल एसेट में कैलकुलेट नहीं होता मीन इंक्लूड नहीं होता अर्बन लैंड इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल एसेट सिक्योरिटीज हेल्ड सिक्योरिटी फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज इन बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटी टू ऑफकोर्स दिस इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल एसेट्स आर्कोलॉजिकल कलेक्शन ये नाउ मोटर मोटर कार क्या car, कर, हम किसमें इंक्लूड करते हैं पर्सनल पार्ट्स में मींस हमारे पर्सनल यूज के लिए आ रहे हैं इसे हम कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट नहीं करते क्वेश्चन में हमने क्या क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो उन्हें हम रिगार्ड नहीं करेंगे ऐसे कंसिडर नहीं करेंगे एज ए कैपिटल एसेट अर्बन लैंड कंसिडर होगा येस ऑफकोर्स सिक्योरिटीज यस आर्कोलॉजिकल कलेक्शन येस सो आंसर डी इज करेक्ट मोटर कार इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल असेट क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज

सच असेट हाज बीन अफेक्टेड हमने पहले चार कंडीशन डिफाइन की थी कि जो होना कंपलसरी है अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जो अगर नहीं भी होती है तो मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता है तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है द ट्रांसफर ऑफ असेट हैज बीन अफेक्टेड ड्यूरिंग दिस रेलिवेंट ईयर हमने कंडीशन जब हमने कंपल्सरी कंडीशन में देखा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि एस जो ट्रांसफर है वो कम हुआ हो प्रीवियस ईयर में तो ऑप्शन ऑप्शन डी इस ए करेक्ट कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर में ही हुआ होगा तो ही हम उसपे कैपिटल गेन चार्ज करेंगे तो आ, फोर्थ का आंसर क्या हुआ आंसर ए क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन next question is in the term of section 2 subsection 42a unlisted securities are termed as long-term capital assets if they are held for a period of more than Deekhe, capital gain calculate canot time short-term or long-term according to conditions specified 36 months, 24 months, 12 months. कुछ कंडीशन स्पेसिफाई है पर्टिकुलर असेट्स के लिए कि अगर इस असेट को इतने टाइम के ज्यादा होल्ड किया तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर होगा और इस टाइम से कम कंसिडर किया उसके उसी टाइम में उसे ट्रांसफर कर दिया गया ड्यूरिंग दिस टाइम तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर होगा क्लियर अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज पे हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को हमें कितने टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा आंसर इज 24 मंथ्स फॉर 24 मंथ्स 24 मंथ से बियॉन्ड अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को हेल्ड करते हैं होल्ड करते हैं और देन उसका ट्रांसफर करते हैं तो इट विल बी कंसिडर एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंगलट इफ इट इज हेल्ड मोर देन ट फॉलोइंग शॉर्ट टर्म कैपिटल इफ इट इज हेल्ड मोर देन टी कौन सी असेट है अगर उसे ट्वेल्व मंथ से ज्यादा होल्ड करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट में कंसिडर होगा नाउ हमें ऑप्शन क्या क्या गिवन है

Cost of acquisition of a capital assets being a unit of business trust allotted pursuant to transfer of shares or shares as referred to in section 47 clause 617 shall be

जिस अमाउंट में जिस अमाउंट में उसने शेयर परचेज किए थे उसी अमाउंट को हम उस की कैपिटल सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ट्रीट करेंगे क्लियर कि बिजनेस रेस्ट की यूनिट्स हैं उनके हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे रेफर करेंगे जिस अमाउंट में उन्होंने उस यूनिट्स को परचेस किया था वही हम उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करेंगे क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर अंडर सेक्शन कौन कौन से ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या क्या डिफाइन है सेल एक्सचेंज ट्रांसफर रिलिंग्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट क्वेश्चन हमसे क्या डिफाइन पूछ रहा है कि ऐसे कौन सी टर्म है जो ट्रांसफर की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है देखिए ऑप्शन में क्या क्या गिवन है हमें सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक नॉट नहीं है क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर अंडर सेक्शन टू सबसे प्रिंटिंग मिस्टेक क्वेश्चन हमसे पूछ रही है कौन कौन सी कंडीशन है जो इंक्लूडेड है इन द ट्रांसफर तो हमने अभी जैसे डिस्कस किया सेल एक्सटेंग्समेंट एक्सचेंज कंपलसरी ऑल ऑफ द आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव ये सब कंडीशन है जो ट्रांसफर में इंक्लूडेड है अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन होती है तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे ट्रांसफर बट दे मस्ट बी अ कैपिटल असेट अगर कैपिटल असेट है और ये ट्रांसफर हो रहा है तो हम उसपे कैपिटल गेन चार्ज करेंगे कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस मीन इनकम टैक्स चार्ज करेंगे क्लियर ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Assets capital assets include all excepts. capital assets include all excepts paintings. stock in trade also obviously treated as a capital assets. personal effects like golds, ornaments, jewelry, ठीके? personal effects may also consider agricultural land, yes, but paintings are not included in the capital asset. clear. now, next question is. स बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ऐसे कौन से कंडीशन है जिनमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता इंडेक्सेशन क्या होता है सपोज हमने कोई हमारी कोई प्रॉपर्टी थी कोई कैपिटल असेट थी हमने बहुत टाइम पहले परचेज की थी इन फॉर एन एग्जाम्पल नाइनटीन एटी में ठीक है अब उसे हम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में सेल करें तब उस टाइम के प्राइजेस में और आज के टाइम के प्राइजेस में तो बहुत डिफरेंस है

डिंचर्स में इंडेक्सेशन का बेनिफिट अलाउ नहीं होता उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंडीशन और भी जिनमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट अलाउ नहीं होता लेकिन शेयर्स में इट इज अवेलेबल रेसिडेंशियल हाउस में एंड एग्रीकल्चर लैंड में ये अवेलेबल होता है डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी इज नॉट अवेलेब द इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर द डिचर्स ऑफ अ कंपनी क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज

अगर 1 2001 से पहले अलॉट है और अगर 2001 के बाद अलॉट किए गए तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ट्रीट होगी nil क्लियर तो इसका आंसर हुआ सी क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसको अलॉट कब किए गए बिफोर वन अप्रैल 2001 तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी fnv ऑन द डेट ऑफ 1 अप्रैल 2001 क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन

राइट right शेयर्स भी हमें कंपनी अपने बेनिफिट के लिए प्रोवाइड करे तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे ट्रीट होगी नील ठीक है सॉरी इसमें का आपको ऑफर प्रोवाइडेड है मिस्टर ए अपना जो ऑफर खुद नहीं लेना चाहते तो वो मिस्टर बी को पास कर सकते हैं तो मिस्टर ए के हैंड में उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी नील क्योंकि उन्होंने वो खुद ऑफर तो एक्सेप्ट किया ही नहीं और उसके लिए, अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ट्रीट होगी तो वो मिस्टर बी के लिए ट्रीट होगी क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिंचर्स of of debentures में डिचर्स debentures में तो कॉस्ट ऑफ एक्जिशन क्या होगी शेयर की अगर कन्वर्जन हो रहा है किसी प्रोडक्ट किसी कमोडिटी सॉरी अगर शेयर्स का शेयर्स का कन्वर्जन हो रहा है सॉरी डिबेंचर्स का कन्वर्जन हो रहा है शेयर्स में डिबेंचर्स का कन्वर्जन हो रहा है शेयर्स के लिए अब शेयर्स के लिए हम उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ट्रीट करेंगे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्विजीशन डिबेंचर की जिस अमाउंट में हमने डिबेंचर्स परचेज किए थे वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ट्रीट होगी फॉर द शेयर्स क्योंकि हमने ओरिजिनल क्या परचेज किया था डिबेंचर वो फॉर द चेंज हो रहे कन्वर्ट हो रहे इन द शेयर्स तो कॉस्ट शेयर्स के लिए ऑफ एक्विजिशन क्या होगी जो ओरिजिनल प्राइस था डिबेंचर्स का क्लियर नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ गुडविल ऑफ अस और राइट टू मैन्यूफेक्चर और प्रोड्यूस इन आर्टिकल और हम क्या कंसिडर करते हैं अगर वो गुडविल हमने अपनी ओरिजिनली बिल्डअप किए किसी पर्सन से अगर हमने परचेज किए तो हम उसकी कॉस्ट ऑफ एक्सिशन कंसिडर कर सकते हैं लेकिन अगर किसी पर्सन ने अपनी गुडविल को खुद जनरेट किया है तो हम उसकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को कैसे कंसिडर करेंगे निल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर गुड विल ऑफ बिजनेस प्रोड्यूस एनी आर्टिकल किया था कि हम हमने हमने उसी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्लियर सो आंसर है निल डियर स्टूडेंट इसमें हमने मेजरली बहुत इजी क्वेश्चन को अटेम किया था हमने मेजरली छोड़ क्वेश्चन को सोल्व किया इन द नेक्स्ट सीरीज हम कैपिटल गेन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे तो नेक्स्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सो गेट रेडिट फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड एंजॉय द सीरीज थैंक यू एवरी